और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 87 साल के कल्याण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। दरअसल पिछले 5 सालों से कल्याण सिंह यूपी की सक्रिय सियासत से बाहर चल रहे थे। लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और अपनी चालों से विपक्ष को छकाते रहे हैं। कल्याण सिंह ने आगे की भूमिका के लिए खुद को तैयार करना अब शुरू कर दिया है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी, लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी नेता कल्याण सिंह ने दी थी। माना जा रहा है कि कल्याण सिंह साल 2022 के यूपी चुनाव में अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। मैं बहुत चुनाव लड़ चुका और कार्यकर्ताओं का इतना अभाव प्यार मिला है, मैं सर झुका कर सर कार्यकर्ताओं पर भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज मैंने देखा और आपने शायद देखा होगा, इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सभी जिले जिले से कार्यकर्ता भारी संख्या में आए थे और अभी वो बाहर बहुत बड़ी संख्या में है। यही मेरी पूंजी है, चुनाव लड़ने का मेरा कोई होता नहीं है। मैं तीज बात कहना चाहता हूं, अयोध्या बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। राम के मंदिर का निर्माण ये करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है। और स्वयं राम भी देश के करोड़ लोगों की आस्था के प्रतीक है। मैं इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूं कि जितनी पार्टियां हैं सबके सब जनता के सामने अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि वे राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं या उसके विरोध में। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी, लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी नेता कल्याण सिंह ने दी थी। माना जा रहा है कि कल्याण सिंह साल 2022 के यूपी चुनाव में अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। मैं बहुत चुनाव लड़ चुका और कार्यकर्ताओं का इतना अभाव प्यार मिला है, मैं सर झुका कर सर कार्यकर्ताओं पर भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज मैंने देखा और आपने शायद देखा होगा, इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सभी जिले जिले से कार्यकर्ता भारी संख्या में आए थे और अभी वो बाहर बहुत बड़ी संख्या में है। यही मेरी पूंजी है, चुनाव लड़ने का मेरा कोई होता नहीं है। मैं तीज बात कहना चाहता हूं, अयोध्या बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। राम के मंदिर का निर्माण ये करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है। और स्वयं राम भी देश के करोड़ लोगों की आस्था के प्रतीक है। मैं इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूं कि जितनी पार्टियां हैं सबके सब जनता के सामने अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि वे राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं या उसके विरोध में। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए,
फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।